हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीआर बर्ड्स। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपने जैसे थंबनेल में देखा कि हम अपने बर्ड्स को ठंड में मरने से कैसे बचा सकते हैं, तो आज मैं आपको पूरा जो है बताऊंगा, पूरी स्टेप समझाऊंगा किस तरीके से आपको जो उनको केयर करना है। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो का टॉपिक। बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, केज में जो हमारा व्हाइट लाइट होता है एलईडी बल्ब, तो उसको हटा देना है और उसकी जगह पे जो हमारा येलो वाला जो पीला लाइट जो हमारा आता है वो आपको लगाना है। 100 वोल्ट का हम इजीली इसमें चल जाएगा, इससे ज़्यादा जो है वो बच्चों के लिए, अगर आपका केज इतना है तो 100 वोल्ट का जो होता है वो चल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आप 200 वोल्ट का लगाते हो तो बर्ड्स को जो है नुकसान भी हो सकता है उससे। तो आपको क्या करना है, 100 वोल्ट का जो है बल्ब लगाना है। वो बल्ब क्यों लगाना है, क्योंकि जो पीले वाला बल्ब होता है वो देता है हीट और जो वाइट वाला बल्ब होता है वो देता है सिर्फ और सिर्फ रोशनी। तो हमको पीले वाला बल्ब लगाना है। उसके बाद क्या करना है, अपने केज को जो है चारों तरफ से कपड़े की मदद से कवर कर लेना है। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने पीछे से भी जो है कपड़ा लगा दिया है, ऊपर से भी जो है कपड़ा है और ये साइड से भी, और रात में जो है ये साइड से भी जो है हमारा कपड़ा आ जाता है। और नीचे से देखिए, हमने एक जो कार्टून बॉक्स होता है उसका काट कर हमने लगा दिया ताकि नीचे से भी जो हवा ना जाए और जो हमारा दाना है वो नीचे ना गिरे, वेस्ट हो, तो इसलिए जो मैंने ये लगाया है। अब आपको दूसरा काम ये करना है कि आप अपने बर्ड्स को जो है मतलब इतना जितने बर्ड्स है उसके सीड मिक्स में जो आपको चेंजेस करना है, तो सीड मिक्स में क्या चेंजेस करना है वो बता दूँ आपको मैं। सबसे पहले तो आपको जो है हमारी जो बाजरी होती है तो वो बाजरी की क्वांटिटी जो है बढ़ा देनी है। मतलब आप अगर नहीं डालते थे तो डालना स्टार्ट कर दीजिए उनको, और अगर डालते थे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि बाजरी जो होती है वो थोड़ी सी जो है गर्म होती है, तो हमारे बर्ड्स को जो है ठंडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। और दूसरी जो चीज़ होती है हमारी जो सूरजमुखी का जो बीज होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, ये होता है सूरजमुखी का बीज, सनफ्लावर सीड कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये देना स्टार्ट कर दीजिए, अगर नहीं देते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, और अगर देते हैं तो इसकी भी जो है क्वांटिटी बढ़ा दीजिए ताकि हमारे बर्ड्स इसको खाए, और इससे जो है गर्मी पैदा होती है तो बर्ड्स को जो है वो ठंड नहीं लगेगी। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट सबसे बात है वो है गाइस, आप जो है रात में जो हमारा वाटर फीडर है, जैसे ये आप साइड में बॉल देख रहे हैं, इसे हमको अलग कर देना है। और जब नेक्स्ट दिन देंगे इनको तो उसको क्या करना है, हल्का सा बॉईल कर लेना है ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, ज़्यादा भी जो है नहीं करना है, हल्का सा करना है। और आप अपने बर्ड्स को जो है दीजिए, उससे जो है उनको ठंड नहीं लगेगी। और रात में जो है आपको चारों तरीके से अच्छे से कवर कर लेना है। रात में कब कवर करना है आपको मैं एग्जैक्ट टाइम बता दे रहा हूँ गाइस, 6 बजे जो है आपको हमारे बर्ड्स को कवर कर लेना है। अगर आप दिन में खुला रखते हैं, जैसे अभी मेरा जो है खुला है, सिर्फ पीछे से और साइड से जो है हमने कपड़ा भी लगाया है और ऊपर से फ्रंट और इस साइड का जो है हमारा खुला है, तो दिन में जो इतना खुला ही रहता है मेरा, सिर्फ रात में जो मैं वो कवर कर देता हूँ। 6 बजे आपको जो है कवर कर देना है। 6 बजे क्यों कह रहा हूँ गाइस मैं, क्योंकि 6 बजे के बाद से जो है ठंडी जो हवा होती है वो चलना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे हमारे बर्ड्स को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। उनको जो है जब बर्ड्स को ठंड लगती है तो उसको पहचानने के सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ। जब बर्ड्स को जो है ठंड लगती है तो अपनी जो गर्दन होती है वो पीछे के साइड जो है वो मोड़ के बैठ जाते हैं। पहली ये थी कि उनको पहचानने की टिप, और दूसरा जो है उनको जो है वो हिलते नहीं है, एक जगह जो है बैठे रहते हैं, गर्दन जो है सीधी रहती है लेकिन वो उड़ते नहीं है, खाते नहीं है, और जैसे हमारे दूसरे बर्ड्स चहचहाते हैं वो वैसा नहीं करते। तो ये थे 2 सिम्टम हमारे बर्ड्स को जब ठंड लगती है तो उसको पहचानने के। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जो है सीखने के लिए मिला होगा, कुछ न्यू आपने जो है सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब मैं हमारी बजरी स्पैरो की बड़ी कॉलोनी को जो है कवर करूँगा ठंड में, तो वो भी जगह पोस्ट करूँगा, तो उसकी जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।